हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे वाह, काफी अच्छी पार्टी यार। लेकिन राकेश कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो है। ये मुझे, हाँ आप जाइए। राकेश आए। अरे की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसा प्रिंस राजकुमार मेरी पार्टी में अपना कीमती वक्त निकाल के आया यार। आने मत मारे यार, पिछली बार मैं तेरी पार्टी में आ नहीं पाया था, लेकिन शादी की सालगिरह ठीक है, मैं भूल सकता हूँ। क्यों, शादी की सालगिरह में ऐसी कौन सी खास बात है? वो क्या है, ये इन 5 सालों में मुझसे बहुत परेशान हो गए, इसीलिए ये राकेश से राज जानना चाहते हैं, तुम्हारी 10 साल की खुशहाल शादी का। मुझे कोई राज वगैरह नहीं है। देखो सिंपल से 2 फंडे। नंबर 1, अपनी बीवी से कभी बहस मत करना, समझा? और दूसरा, अपनी बीवी से हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करो। यही यही राज है अपने खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, समझे? फॉलो इट। या या, आई गॉट इट। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू सो मच। कहाँ से खरीदी? P2P मॉल से। एक काम करो, आप लोग पार्टी एंजॉय करो, हम लोग। यू गाइस मेक योरसेल्फ्स कंफर्टेबल। या हम अभी आपको ज्वाइन करते, ओके? वेजिटेरियन है? हाँ बेटा, सब वेजिटेरियन है। अच्छा, मैं मदद करूँ आपकी? नहीं, मैं खुद ले लूंगा। राकेश, आई होप द बुफे इज लेड आउट। मैं नहीं चाह, चाचा ने मुझे नहीं देखा। अरे बंटी बेटा, इस वक्त तुम यहाँ? अब आओ अंदर आओ। बेटा तुम आज स्कूल नहीं गए? नहीं, आज घर में पार्टी थी, इसलिए मम्मा ने मेरे स्कूल की छुट्टी करवा दी। अच्छा। आज आप लोग ये वाला खाना नहीं खाओगे, ये वाला खाओगे। बेटा, ये खाना लेके तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये गलत है। और किसी ने देख लिया तो? किसी ने नहीं देखा, आप फिक्र मत कीजिए। फेवरेट पालक पनीर। आप भी खाइए ना। हाँ बेटा, मैं भी खाता हूँ। कैसा है? बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा फिर भी तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। बंटी, तुम्हें कितनी बार मना किया है, यहाँ आना मना है तुम्हें पता है ना? ये सब खाना किसे पूछ कर लाए थे? ये सब, ये मेरे हिस्से का खाना है दादा दादी जी के लिए, मैं जिसको देना चाहूँ मैं उसे दूंगा। जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी।
देखो बेटा, मम्मी से इस तरह बात नहीं करते। माफी मांगो मम्मी से। प्लीज रहने दीजिए। पहले तो आप मेरे बेटे के दिमाग में जहर भर रहे और फिर अब मेरे सामने ये सब ड्रामा। बहू, हम क्यों जहर भरेंगे किसी के दिमाग में? आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे? बदला? मैं बदला ले रही हूँ? सासू माँ, आपको जानकर बहुत अफसोस होगा, इस घर में आपके लिए अगर किसी को थोड़ी सी भी फिक्र है ना, तो वो मुझे। क्योंकि अगर आप अपने बेटे के भरोसे रहे ना, तो फिर अब तक तो आप सड़क पर होती। क्यों झूठ बोल रही हो बहू? क्यों हमारे और हमारे बेटे के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो? देखिए ससुर जी, जब किसी का रिश्ता नींव से मजबूत होता है ना, तो कोई तीसरा आके दरार नहीं डाल सकता। अगर आपके बेटे की बात पर इतना ही विश्वास है आपको, तो उसे ही पूछ लीजिए। 6 महीने पहले वृद्धाश्रम के फॉर्म्स कौन लाया था? वृद्धाश्रम? जी हाँ, आपका सुपुत्रा आपको वृद्धाश्रम भेजना चाह रहा था। वो तो मैं थी जिसने उसे कहा कि आप दोनों को यहाँ रहने दिया जाए, और आप लोग मुझे को खरी खोटी सुना रहे। मम्मी, तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं मान सकता, हमारा बेटा हमें वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश कर रहा है। हम उस पर इतना बड़ा बोझ पर करेंगे? अब आपका ये ड्रामा है ना, मेरे सामने मत कीजिए, ठीक है? ये खाना खा लेना और फिर प्लेट्स लौटा देना, हमें बहुत महंगी है। चलो बंटी। अनुज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा यार कि बिजनेस में प्रॉफिट पाने के लिए मैं अपने असूल और आदर्श के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ये आदर्श, ये असूल, ये सब सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, आम जिंदगी में इनका कोई महत्व नहीं है। तेरे लिए होंगे ये फिल्मी वर्ड्स, समझा तू? मैं जिंदगी में जो भी कुछ हूँ, आज जिस मुकाम पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन आदर्शों की वजह से। और देख, मैं किसी भी कीमत पर अपने असूलों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, ये बात तू समझ ले। मतलब तू साफ सुथरे तरीके से बिजनेस करना चाहता है बिना किसी हेरफेर के। मम्मी, मुझे पार्टी में नहीं जाना, मुझे दादी दादू के पास ही रहना है। बंटी, अगर और मस्ती की ना, तो देखना पापा से कहकर हॉस्टल भिजवा दूंगी। चलो तुम। अरे अरे वृंदा, कहाँ थे तुम? मैं सारी पार्टी में तुम्हें देखा ही। देखिए ना माँ, क्या करूँ, ये इतना शरारती होता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा अच्छा, अब ये सब छोड़ो और चलो केक काटो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ। ऐसे तो दूसरी कंपनी आगे निकल जाएंगी और हमारी कंपनी वहीं की वहीं रह जाएगी। अरे तो निकलने देना यार, कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भले 2 पैसे कम मिले, लेकिन जो पैसे मिले वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के। एक बात तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि इसके आगे हम लोग एक साथ नहीं काम कर सकते। मैं ये पार्टनरशिप खत्म करना चाहता हूँ। मतलब तू इस छोटी सी बात के लिए पार्टनरशिप खत्म कर रहा है? ये छोटी सी बात नहीं अनुज, ये छोटी सी बात नहीं है। यही असूल, यही आदर्श मेरी जिंदगी के, मेरे बिजनेस के नींव है। और ये हाय अनुज। हाय अनुज। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसे। एनीवेज, क्या जरूरी है आज के दिन भी काम की बातें घर में करना? सॉरी यार। अरे पर तुम कहाँ चली गई थी? आई थिंक ये बात तुम्हें अपने लाडले से पूछनी चाहिए। पूछो पूछो, कहाँ गया था ये, बताओ। कहाँ गया था बेटा? दादी दादू के पास। सुना राकेश, मतलब आज के दिन भी तुम्हारे मम्मी डैडी मेरे नाक में दम करके रखेंगे। वृंदा, प्लीज समझा करो यार, पार्टी। एनीवेज, अगर तुम्हें अपने बिजनेस से फुर्सत मिल गई हो, तो कैन वी अटेंड टू द गेस्ट प्लीज? हाँ, केक काटे? ठीक है। दोनों हमेशा सुखी रहो। थैंक यू मम्मी। सर एक फैमिली फोटो। जी बिल्कुल। बंटी, बंटी कहाँ है? बंटी कहाँ है? मैं उसे ढूंढ कर आती हूँ। मेरी फोटो एक। बंटी, बंटी, बंटी,
यहाँ तो नहीं है, मैं बाहर ढूंढती हूँ। बंटी, राकेश के साथ झगड़ा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, राकेश से माफी मांग लेता हूँ। बंटी, रामू ने बंटी को देखा? नहीं देखा मैडम। अच्छा आप जरा आउट हाउस में देखें, मैं यहाँ देखती हूँ। बंटी, ना ऐसी कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए। राकेश, देख राकेश, हमारे बिजनेस की पार्टनरशिप भले ही टूट गई हो, लेकिन इसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, चल फिर इसी नोट पे अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दे। चाह खाली हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, एक गले मिल। चल दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। एंजॉय योरसेल्फ, ओके? कहाँ सुना बात? बंटी, बंटी, कोट की बंटी कहाँ चला गया? बंटी, वृंदा, अब वृंदा बंटी मिला? वृंदा, बंटी मिला? यार राकेश, तू बहुत बुरा एक्टर है, कभी फिल्मों में ट्राई मत करना। क्या मजाक है राकेश, तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं ना अब तक। चलो स्विमिंग पूल से जल्दी बाहर आओ। वृंदा, लगता है राकेश ये चाहता है कि तुम पूल में कूदकर उसके जान बचाओ। बस राकेश, अब बहुत हो गया, अब अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो देख ले। चल यार बाहर आ जा, बहुत हो गया। राकेश एक्टिंग नहीं कर रहा है, इसे कुछ हुआ? राकेश, 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 तो क्या हुआ तुम्हें? राकेश, राकेश, राकेश आंखें खोलो। ये सांस ले पर। राकेश उठ मेरे भाई। राकेश प्लीज आंखें खोलो, राकेश प्लीज। अरे कोई तो एम्बुलेंस को फोन करो प्लीज। कॉल द डॉक्टर प्लीज। कोई फायदा नहीं। राकेश, राकेश हमको छोड़ के जा चुका है। राकेश, राकेश हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। राकेश, पर राकेश तो स्विमिंग चैंपियन था, वो पुल में डूबकर कैसे मर सकता है? जरूर किसी ने कुछ किया है। हेलो सीआईडी। बॉडी में कहीं चोट का निशान तो दिख नहीं रहा है। पानी में डूबने से ही मौत हुई है इसके। आप लोगों के सामने यहाँ पे राकेश स्विमिंग पूल में डूब के मर गए, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? राकेश तो स्विमिंग में चैंपियन था, स्कूल कॉलेज में भी उसने काफी मेडल जीते थे स्विमिंग में। लगा शायद वो हमसे मजाक कर, लेकिन मजाक करना तो राकेश की पुरानी आदत थी। और वो स्विमिंग चैंपियन थे तो इस तरह पानी में डूब कैसे गए? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। जब राकेश को पानी से बाहर निकाला तो उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था क्या? हाँ, पानी था। सर हो सकता है स्विमिंग पूल में गिरने से पहले ही राकेश की मौत हो गई हो। सर वो पानी में गिरने से पहले बिल्कुल ठीक था। मौत तो पानी में डूबने से ही हुई है, लेकिन एक स्विमिंग चैंपियन पानी में कैसे डूब गया? अच्छा, पानी में जाने से पहले राकेश ने कुछ खाया था? हाँ, वृंदा ने एनिवर्सरी का केक खिलाया था। वृंदा जी, आपने राकेश को केक खिलाया था? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ऑफिसर्स, एक तो मेरे पति की मौत हुई है और आप जली पर नमक छिड़क रहे हैं। वृंदा जी, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। सर, केक मैंने भी खाया था, अगर केक में कुछ होता तो मुझे भी होता। बेटी पंकज, जरा केक देख लेना। अच्छा आप बताइए, आपको किसी पे शक है? कौन ले सकता है आपके पति की जान? अनुज हो सकता है, मुझे अनुज पर शक है। ये अनुज कौन है? वो राकेश का बिजनेस पार्टनर था, कुछ दिनों से दोनों के बीच में बहुत टेंशन चल रही थी और आज तो सर दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ सबके सामने। ये अनुज कहाँ है? अरे कुछ देर पहले तो यही था, कहाँ चला गया? निखिल जरा देखो ये अनुज कहाँ है। अनुज की बैक्स्टर गाड़ी है गोल्डन कलर की। और मेरा बेटा बंटी कुछ वक्त से गायब है सर,
सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा वो। आपका बेटा गायब है, कब से? कुछ एक घंटे से। सर ना ये अनुज मिला ना इसी गोल्डन का की बेस्ट कार। और उसको फोन लगा हमारे किसी के पास? ये बंटी अक्सर ऐसे गायब होता रहता है क्या? अक्सर आउट हाउस में जाता था अपने दादा दादी से मिलने। बंटी के दादा दादी यहाँ आप लोगों के साथ नहीं रहते? जी, वो राकेश ने अपने माता पिता को आउट हाउस में रखा हुआ था। अपने माता पिता को अलग रखा था राकेश ने? खैर, आपने आउट हाउस में चेक किया बंटी को? जी, मैंने नौकर से कहकर आउट हाउस में भी चेक करवाया, लेकिन बंटी वहाँ नहीं है। अच्छा, राकेश के माता पिता को इस हादसे के बारे में मालूम है? जी नहीं। कमाल है। रेडी पंकज, जरा आउट हाउस में जाओ, राकेश के माता पिता को इस हादसे के बारे में बताना और बंटी को भी ढूंढो। सर, अनुज का फोन बंद आ रहा है। मतलब गड़बड़ है। ये अनुज कहाँ बैठा था? सर वो सामने बैठा। लेकिन चेक करो जरा टेबल। मूंगफली का तेल? सर और टेबल के नीचे ये मूंगफली का तेल मिला है। मूंगफली का तेल कोई यहाँ पार्टी में क्यों लेके आएगा? मूंगफली का तेल, इसका मतलब अनुज ने ही राकेश को मारा है। सर राकेश को एलर्जी थी मूंगफली के तेल की, बहुत सख्त एलर्जी। तो अनुज ने किसी बहाने मूंगफली का तेल राकेश को लगा दिया, शायद हाथ वाथ मिलाने के बहाने। और सिर्फ हाथ, अनुज ने राकेश को गले भी लगाया था। जरा इस अनुज का एड्रेस दीजिए हमें। यही आउट ऑफ है ना? दरवाजा तो खुला हुआ है। जान दे। मैं क्यों जाऊं? आप जाओ। मैं सीनियर हूं इसीलिए कह रहा हूं। जा। सर ये सीनियर जूनियर बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इसी भी सर से आपकी कंप्लेंट करूंगा। फेरी सर आप अंदर जाओ ना, अंदर अंधेरा है। अरे डर तो मेरा था ना, हाँ? वैसे भी अंदर दादा दादी है, हाँ? तू जा अंदर चल। अरे अरे रेडी सर। हाँ? दरवाजा खोलिए। अंदर क्या है? अरे कोई भी नहीं है, खोलिए। अंदर कोई नहीं है तो फिर तू डर क्यों रहा है? वैसे भी तू अंदर बंद कैसे हो गया? पता नहीं सर, प्लीज सर कुछ करिए। दरवाजा तोड़ू? तोड़ दीजिए, मैं पीछे जाता हूँ। क्या हुआ सर, टूटा दरवाजा? अरे दरवाजा तो नहीं टूटा, मेरा घुटना टूट गया। क्या हुआ फ्रेडी? अरे सर ये दरवाजा जाम हो गया सर, बेचारा पंकज अंदर बंद हो गया, वो डर रहा है। दरवाजा जाम हो गया? कहाँ जाम हो गया, खुला तो है। सर अच्छा हुआ आप आ गए। ये तो पंकज, एक सीआईडी ऑफिसर होकर तुम लोग डरते हो? राकेश के बाबा पा? सर घर खाली है सर, कोई भी नहीं यहाँ पे। घर खाली है? पर सर वृंदा तो कह रही थी कि उसके सास ससुर यहीं रहते हैं। बहुत शर्मनाक बात है, वृंदा और राकेश वहाँ बड़े थाट बाट से रह रहे हैं और अपने माँ बाप को यहाँ ऐसे हालत में रहने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी एकदम खाली है? राकेश के माँ बाप घर छोड़ के चले तो नहीं है? ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है राकेश के खून में उसके अपने माँ बाप का हाथ। पर कोई माँ बाप अपने ही संतान के साथ ऐसा क्यों करेगा? और सर वो बंटी, ये दादा दादी उसे क्यों ले गए होंगे अपने साथ? बहुत ही अजीब केस है ये, बेटे का खून हुआ है और उसके माँ बाप गायब है अपने पोते के साथ। आजा, ये राकेश के माता पिता तो नहीं है यहाँ? गार्ड ने कुछ बताया? नहीं, उसने भी उन्हें जाते हुए देखा नहीं है कहीं पे। वो कह रहा है वो तो खाने वाली वैन में सामान रखने में लगा हुआ था, और बंटी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बात तो तय है,
कुछ देर पहले ही निकली हो यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। कहीं इस अनुज ने तो नहीं किडनैप कर लिया इन लोगों को राकेश को मारने के बाद? अनुज को पकड़ना पड़ेगा। आप लोग बैंक से आए हैं? जी नहीं, सीआईडी। आप कौन है? जी मैं अनुज की पत्नी प्रीति। जरा अनुज को बुलाइए, कहाँ पे है वो? जी वो घर पे नहीं है, पर उन्हें सीआईडी वाले क्यों ढूंढ रहे? अभी पता चल जाएगा। रेडी पंकज, चेक कर लो घर को। अरे आप ऐसे कैसे घर की तलाशी ले सकते हैं? देखिए अनुज के बिजनेस पार्टनर राकेश का खून हो गया है और हमेशा क्या कि उसमें अनुज का हाथ है। देखिए मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। तो फिर वो पार्टी छोड़ के भागा क्यों? उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? देखिए उसका फोन बंद नहीं है, उसका फोन घर पे ही है। ये देखिए उनका फोन यही है। सर प्रीति मैडम सच कह रही है, अनुज घर पे नहीं है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलती। तो आप सच सच ये बता दीजिए कि अनुज इस वक्त कहाँ पे है? देखिए वो बिजनेस टूर के हिसाब से शहर से बाहर गए हैं। शहर से बाहर कहाँ? वो मुझे बताकर नहीं गए, पर वो अपना पासपोर्ट भी लेकर गए, शायद वो विदेश गए हो। तो आपके पति ऐसे ही बिना बताए आपको विदेश चले जाते हैं? हाँ, जब से वो जिंदगी में आई है तब से वो मुझे कुछ बताकर नहीं जाते। निशा नाम है उसका। ये देखिए लास्ट कॉल उसी ने किया है, जरूर उसके साथ घूमने गए होंगे विदेश। निखिल एयरपोर्ट पे अनुज की फोटो भेज दो, वहां दिखाई दे तो गिरफ्तार करवा। कितनी देर पहले अनुज निकला यहाँ से? लगभग आधे घंटे पहले। सर हो सकता है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अनुज निशा के घर पे गया हो। निशा का एड्रेस है आपके पास? जी नहीं। कोई बात नहीं, मोबाइल कंपनी से पता करो निशा का फोन इस वक्त कहाँ पे है। सर निशा की गाड़ी यहाँ से 100 मीटर दूर है। सर रेडी, तेज चलाओ, निकलने नहीं चाहिए वो लोग। आप चिंता मत करो सर, आप भी ओवरटेक करता हूँ गाड़ी को। पहले ये बताओ मेरे लिपस्टिक का शेप कैसा है? निशा इतनी दूर से पूछोगी तो कैसे बताऊंगा, थोड़ा पास आकर पूछो ना। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, लिपस्टिक का शेड पूछा है, समझे? वो क्या है ना, मैं बचपन से रोमांटिक हूँ। अच्छा। सर 50 मीटर दूर है सर। मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं। आगे लो। शायद वो गोल्डन बस्टर सर, वो ही निशा की गाड़ी है। रेडी ओवरटेक करो इस गाड़ी को। अरे अनुज जी, हम सीआईडी वाले भी काफी रोमांटिक हैं। देखिए मुजरिम का पीछा करते करते कहां तक आ गए। सीआईडी? निकालो निकालो निकालो, बाहर निकालो, चलो बाहर। अरे अरे भाई साहब सुनो तो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। भाई साहब ये सीआईडी हमारा पीछा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस इंसान के साथ आप बैठी हैं वो एक खूनी है। खून? अनुज ने किसका खून किया है? अपने बिजनेस पार्टनर राकेश का। मैं खूनी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। अरे कहाँ जा रहा है? इस गाल का तो मेकअप हो गया है, अब इसकी बारी है। हाँ, मैंने ही मारा है राकेश को, क्योंकि वो मेरे बिजनेस करने के तरीके से खुश नहीं था और वो मेरे बिजनेस की साझेदारी भी तोड़ना चाहता था। इसलिए तुमने राकेश को रास्ते से हटा दिया ताकि सारा बिजनेस भी तुम्हारा और बिजनेस करने का तरीका भी। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि उसे मूंगफली के तेल से एलर्जी है, इसलिए मैंने मूंगफली के तेल को हथियार बनाकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। क्या मतलब शाहरुख के साथ? अगर मैं ये कहूं कि राकेश की मौत मूंगफली के तेल से नहीं हुई है तो मैं ये कहूंगा कि सर हमें अप्रैल फूल मत बनाइए, आज अप्रैल फर्स्ट नहीं है। पंकज मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि राकेश की मौत वाकई मूंगफली के तेल से नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और ये बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है। ये देखो ये राकेश के दिल का एक्सरे। ये तो पेस मेकर है ना? जी हाँ, ये पेस मेकर है।
और राकेश को दिल का दौरा इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल में था तब इस पेस मेकर ने काम करना बंद कर दिया। अरे वाह, इसका मतलब राकेश को मैंने नहीं मारा, मुझे मुझे फांसी नहीं होगी। एक मिनट, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। डॉक्टर साहब, आपने जब पहली बार इसकी लाश देखी थी तब आपको पता नहीं चला था? यार, जब पहली बार मैंने लाश देखी थी तब ये पेसमेकर चल रहा था। पेसमेकर चल रहा था, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ और फिर चलने लगा। अरे सर, ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा जी, कैसे हो सकता है? बस हो सकता है, हो सकता है इस अनुज के साथ कोई और आदमी भी मिला हो जिसने इस पेसमेकर के साथ कुछ गड़बड़ की। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड निशाने तो नहीं किया ये सब? नहीं सर, ये सब मैंने अकेले किया है और मैंने पेसमेकर के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मैंने सिर्फ मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है सर, और उससे जानबूझकर झगड़ा किया ताकि सुलह के बहाने उससे हाथ मिला सकूं और गले मिल सकूं, ताकि मूंगफली का तेल उसके शरीर पर लग जाए। और सर, उस तेल की वजह से मेरे हाथों की हालत देखिए सर, क्या हो गई है। मतलब अनुज के अलावा कोई और भी है जो राकेश की जान लेना चाहता था? इस अनुज ने सहारा लिया मूंगफली के तेल का और दूसरे आदमी ने पेसमेकर को अपना हथियार बनाया। बिल्कुल, इसीलिए स्विमिंग चैंपियन होने के बावजूद वो तैर नहीं पाया, क्योंकि उसका पेसमेकर सिर्फ उतनी देर के लिए बंद हुआ जितनी देर में उसके फेफड़ों में पानी भर जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, पेसमेकर थोड़ी देर के लिए बंद करना आसान नहीं है, ये कैसे कोई कर सकता है? ये थोड़ी गुत्थी है जो समझ में नहीं आ रही है। सर, आप चाहे तो डॉक्टर तारिका आपकी मदद कर देंगे गुत्थी सुलझाने में। भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर सालुक है। क्या है? सालुक है। और मैं अपनी गुत्थी खुद सुलझा लेता हूँ, मुझे किसी तारिका की मदद की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था। अरे सर, चाय तो पीते जाइए। सर, इस पेसमेकर के रुकने का संबंध कहीं राकेश के बेटे बंटी के गायब होने से तो नहीं है? हाँ सर, हो सकता है जिस आदमी ने बंटी को गायब किया है उसी ने राकेश का पेसमेकर रोक दिया। बंटी का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। नहीं सर, मुझे नहीं पता बंटी कहाँ है सर, मैं बंटी के बारे में कुछ नहीं जानता सर। ठीक है, जिसे भी पता है ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। बंटी बेटा। बंटी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैं दया अंकल हूँ सीआईडी से, और हमें सब कुछ मालूम है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है आपकी मम्मी कितनी परेशान है आपको ढूंढ ढूंढ के? हा? मुझे मम्मा के पास नहीं जाना। क्यों? आपको मम्मा के पास क्यों नहीं जाना? मुझे दादा दादी के पास जाना है। आपके दादा दादी कहाँ है? वही तो थे, कहाँ चले गए? यहाँ पर थे। कहाँ है? चलो इधर देखते हैं। चलो। दादा दादी। अरे अरे, बंटी बेटा, बंटी बंटी, तुम यहाँ कहाँ? जब आप लोग घर से निकले थे ना, तब मैं आप लोग का पीछा करते आ गया। बेटा, तू इतनी दूर तक हमारे पीछे आ गया, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। नमस्ते, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? जी, वो हम आपको और बंटी को ही ढूंढ रहे थे। मैं जानती थी हमारा राकेश हमें बहुत प्यार करता है। देखा जी, जरा सा हम घर से बाहर निकले और परेशान होकर सीआईडी वालों को फोन कर दिया। मुझे आज पूरा यकीन हो गया कि हमारी परवरिश बेकार नहीं गई है। अरे, हमारा अपना बेटा हमें बोझ कैसे समझ सकता है? कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं। आइए घर चलते हैं। हेलो तारिका जी। हेलो अभी जी। हेलो। आज डॉक्टर साहब थोड़े असमंजस में थे, एक गुत्थी ने उन्हें परेशान कर रखा था। उम्मीद करता हूँ आपकी मदद से वो गुत्थी सुलझ गई होगी। अभिजीत, शायद तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो पेस्टमेकर वाली गुत्थी सुलझ चुकी है।
और ये सारा कारनामा सर ने बिना मेरी मदद के किया है। बिना आपकी मदद के? Yes. वैसे भी ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आपकी मदद की क्या जरूरत है सर? मैं जानता था आपको सिर्फ वक्त की जरूरत है, ऐसी छोटी मोटी गुत्थियां तो आप चुटकी में सुलझा देते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, इतना भरोसा मुझ पर? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे सर, मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करता रहता हूँ। अभी आते समय मैं पंकज और फ्रेडी से आपके बारे में ही बात कर रहा था। क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या कह रहा था? अरे वो कह रहा था, बता ना, वो जो वो। अच्छा वो सालू के साहब, क्या बताऊं आपको, अभिजीत सर तो आपके तारीफों के पुल बांधते रहते, ये लंबे लंबे। क्या बात कर रहा है, ये लंबे लंबे पुल, यही तारीफ के? कमाल है यार अभिजीत भाई, अगर तुम मेरी तारीफ में ये लंबे लंबे पुल बांधते हो तो तारिका जी की तारीफ में तो तुम सीधा हाईवे बांधते होगे ना यार। वो तो है सर। वो नहीं, अरे सर क्या सर, अगर आपके ताने पूरे हो गए हो तो पेसमेकर की बात कर लें। हाँ पेसमेकर। अभिजीत पहले तो मुझे भी लगा कि ये पेसमेकर शायद मुजीब ने हैक किया है, लेकिन बाद में इस पेसमेकर बनाने वाली कंपनी से जब मैंने बात की खुद पर्सनल, तो कंपनी वालों ने मुझे बताया कि राकेश ने उन्हें सख्त हिदायत की थी कि इस पेसमेकर की बराबर मॉनिटरिंग करें ताकि कोई भी इस पेसमेकर को हैक ना कर सके। इसका मतलब राकेश को पहले से ही अंदेशा था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। सर अगर राकेश को पता था कि उसकी जान को खतरा है तो उसे हमारे पास आना चाहिए था मदद के लिए। डॉक्टर साहब, अगर पेसमेकर को हैक नहीं किया गया तो फिर ये बंद कैसे हुआ? वो पेसमेकर कैसे बंद हुआ मैं बताता हूँ। ये देखो, ये गन देख रहे हो, ये दूसरे किस्म की गन है, इसे माइक्रोवेव गन कहते हैं, इससे माइक्रोवेव तरंगे निकलती है। देखो जैसे ही इस गन का ट्रिगर दबा, इस गन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकली और उन्होंने जाकर के इस पेस मेकर की फील्ड को डिस्टर्ब किया, इसके इलेक्ट्रिक सर्किट को खत्म कर दिया, जिससे पेस मेकर बंद हो गया। पर सर ये पेस मेकर फिर से चला कैसे? क्योंकि पंकज, पेस मेकर में एक ऐसी सेटिंग होती है कि जिस वजह से अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी रुकावट आए तो बंद हो जाता है और फिर 2 मिनट बाद रीस्टार्ट हो जाता है और अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। और यही 2 मिनट राकेश के लिए महंगे साबित हुए, इसे हार्ट अटैक आ गया और फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर साहब ये गन कितनी दूर से चलाई होगी खूनी ने? 12 फीट के अंदर अंदर से। अगर 12 फीट के ज्यादा दूरी से चलाई गई होगी तो असर नहीं होगा। ओके, और ये सामने से चलाई गई है या पीठ की तरफ से? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, बस 12 फीट के अंदर अंदर से चलानी पड़ेगी। तो ये पता करना होगा कि पार्टी में राकेश के इतने करीब कौन कौन से मेहमान थे। दादी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे पापा के साथ खाना खाना और वीडियो गेम भी खेलना है। हाँ बेटा, मैं जल्दी जल्दी अपने हाथों से कुछ बना के खिला देती हूँ। हाँ क्या बात है रामू, तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा अच्छा, हम इसे छोड़ के चले गए थे ना, उदास हो गया होगा। चिंता मत कर, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। आइए। क्या बात है, यहाँ सब खामोश क्यों बैठे? दरअसल बात यह है कि बात क्या है बताओ तो सही। राकेश अब क्या हुआ राकेश को? मेरा बेटा ठीक तो है ना? अरे बोलते क्यों नहीं आप? बेटा बेटी इसे बाहर ले जाओ। अरे लेकिन बात क्या है? हो क्या रहा है यहाँ पे, बात क्या है कुछ बताइए तो सही। माँ जी आपका बेटा राकेश अब इस दुनिया में नहीं है, किसी ने उसकी जान ले ली। कैसी बात कर रहे हैं आप? से
ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सोचता था तू सीआईडी की आंखों के सामने से सबूत नष्ट कर देगा? बोला। अबे पंकज, मेरा पैर छोड़। ये मेरा नाम भी जानता है, मैं फेमस सीआईडी वाला हो गया हूँ। अबे तुझे फांसी होगी, बाहर निकल। निखिल, दया सर को बुला। क्या हो पंकज? सर, ये खूनी का पैर मेरे हाथों में। अच्छा, निकालो खूनी को बाहर। सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो तेरा। ये खूनी है। फ्रेडी सर। हाँ, मैं खूनी लगता हूँ तुझे। सर, आप टेबल के नीचे क्या कर रहे थे? अबे सबूत इकट्ठा कर रहा था, मक्खियाँ नहीं मार रहा था मैं। चलो पार्टी में आए मेहमानों के वीडियो में क्या मिला देखते हैं। सर, बाकी सारे वीडियो चेक के लिए उसमें कुछ नहीं मिला, बस ये आखिरी वीडियो देख रहा था। एक मिनट सर, रिवाइंड करना, पॉज करो, इस आदमी के चेहरे पे जूम करो। सर, ये तो शेफ है। हाँ, इसी आदमी ने कुछ गड़बड़ की है, जरा इसे रिवाइंड करके प्ले करो। ये देखो, इसने अपने पैर से कुछ सरकाया टेबल के नीचे। शायद उस बॉक्स में वही वाली गन होगी, वो माइक्रोवेव वाली गन। हो सकता है वो माइक्रोवेव गन उसने इस बक्से में छुपाया होगा। बावर्ची। मिस्टर प्रवीण, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कहीं जाने की जल्दी में लग रहे हैं। जी मैं बाजार जा रहा था सब्जियां लेने के लिए। ओ, सब्जियां लेने के लिए, क्या बात है, ऐसा पैक? जी वो आज शाम को पार्टी है उसी के लिए। अरे वाह, तो भाई हमें भी तो बताइए कि शाम की पार्टी में क्या क्या बन रहा है। हा? जी शाही पनीर, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता। क्या बात है सर, एक बार प्रवीण जी जेल आ गए तब तो कहती हूँ कि हर रोज दावत होगी। मैं क्यों जेल में दावत देने लगा? वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, आज की पार्टी में तुम वो माइक्रोवेव गन लेके जा रहे हो या फिर अब उसकी जरूरत नहीं है? माइक्रोवेव गन? वो क्या होती है? वो गन कुछ इस तरह की होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि उससे तरंगे निकलती हैं और मेरे गन से सिर्फ गोलियां। सर इसे नीचे कीजिए, इसे नीचे कीजिए सर। बावर्ची साहब, अगर दया सर की गोली चखना नहीं चाहते उन्होंने तो जल्दी बताओ क्यों मारा राकेश को? उनके कहने पर। उसका कुछ नाम भी तो होगा ना? हाँ, बस करो बेटी, और कितना रोगी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। क्या सोचूं माँ, राकेश के बिना एक पल गुजारना इतना मुश्किल हो गया है, मैं कैसे गुजारूंगी अपनी जिंदगी? तू क्यों सोचती है बेटा वृंदा, हम लोग है ना तेरे लिए, तेरे माँ बाप, तेरा और बंटी का पूरा ख्याल रखेंगे। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, सीआईडी है ना वृंदा जी का ख्याल रखने के लिए। आप लोग यहाँ मेरे बेटे के कातिलों का पता चला? हाँ पता चल गया, खूनी यही है, इस कमरे में मौजूद है। यहाँ? इस कमरे में मौजूद है? कौन है वो पापी? वो पापी एक ऐसी औरत है जो अपने पाप छुपाने के लिए जी भर के आंसू बहा रही है, मगरमच्छ के आंसू। आप मुझ पर शक कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का इस तरीके से अपमान करने की? आप सीआईडी वाले तो कुछ भी करेंगे, मैं सीआईडी पर केस कर दूंगा। केस तो अब आप दोनों पे चलेगा।
आप दोनों के चेहरों से पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि राकेश का खून कैसे किया तुम लोगों ने। अमित डैडी, अमित डैडी, आप दोनों कहां भाग रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे तक खून करते हुए। हमने अपनी बेटी की शादी राकेश से इसीलिए की थी कि उसकी दौलत को अपने बिजनेस में लगाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे। ऐसा तभी हो सकता था अगर राकेश वृंदा के हाथ की कठपुतली बना रहता। इसलिए मैं वृंदा को सिखाती रहती थी कि कैसे अपने सास ससुर को राकेश से दूर रखना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने की बजाय ऐसी शिक्षा देती रही। मगर फायदा क्या हुआ? राकेश की डोर वृंदा के हाथ से छोड़ती जा रही थी और आप लोगों को वो नया घर भी लेके दे रहा था और उसने मेरे बिजनेस में पैसे लगाने भी बंद कर दिए थे। बस इतनी सी बात के लिए आपने अपनी इकलौती बेटी को विधवा कर दी? कैसे माँ बाप है आप दोनों? हमें माफ कर देना बेटी। हमने सोचा था राकेश की मौत के बाद सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम बाकी की जिंदगी सुख चैन से बिताएंगे। और एक बार भी ये नहीं सोचा कि राकेश के माता पिता की आने वाली जिंदगी कैसे कटेगी उनके बेटे के बिना? बंटी के सर के ऊपर से उसके पिता का साया निकाल दिया, ये नहीं सोचा आपने? शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माँ बाप कहते हुए। नहीं बेटी, खबरदार खबरदार, जो आईना से मुझे बेटी कहा तो ऑफिसर्स ले जाइए इन्हें। मैंने आप दोनों के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए माफी की हकदार तो नहीं हूँ। मैंने आपकी खुशियां छीनी है और मेरे माँ बाप ने आपसे आपका बेटा, आप दोनों जो सजा देना चाहे मुझे दे सकते हैं। बेटी, बेटा तो खो ही चुके हैं, अब इस बेटी को नहीं खोना देना चाहते, नहीं खोने देना चाहते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.